जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। प्रोजेक्टर के सामने पर्दे पर मुझे साफ दिख जाएगी। अरे मुझे क्या पता तुम क्या कह रहे हो। छुट्टियों के बाद नौकरी ज्वाइन करने से पहले हम दोनों एक दूसरे से किस तरह से बिहेव कर रहे थे याद है? वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो क्या अचानक आकर मुझे ये क्यों कहा कि हम अलग हो जाएंगे? आजकल मेरे जागने से पहले तुम ऑफिस चले जाते हो, रात को देर से लौटते हो और फिर सो जाते हो। सो जाता हूँ? अरे प्रीति, सारी जिंदगी मैं सोता ही तो रहा हूँ। अब तुम सो जाओ। देखो, अगर हम लोगों को अपनी जिंदगी अपने ढंग से गुजारनी है, खुशियाँ हासिल करनी है, तो हम दोनों में से एक को तो हमेशा के लिए सोते ही रहना होगा। है तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है? सही क्या है? सही बात गलत होती है या गलत बात कभी सही होती है? अरे प्रीति, इतने सालों से मेरे दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं, मैं उन्हीं का आंसर नहीं ढूंढ पाया हूँ। और अब तुम आगे कहती हो कि मेरे सवालों का जवाब। रवि, तुम मेरे साथ ठीक से बात करोगे या नहीं? झगड़ा नहीं करता। तुम्हें याद है प्रीति, उस दिन जब मैं तुम्हें ऑफिस लेकर गया था और नीचे गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा था ना, और जब तुम आई थी तो मैंने कहा था कि जो कुछ भी हो जाए, लेकिन अब जिंदगी भर मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूं। वो बात अलग थी। हमने एक दूसरे से नहीं झगड़ा करने का वादा इसलिए किया था ताकि हम दोनों के बीच का प्यार और अंडरस्टैंडिंग कायम रहे, इसलिए नहीं कि हम दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाए। जब हम कोई काम करते हैं ना जिंदगी में, तो हमें पता नहीं होता कि उसका नतीजा क्या होने वाला है।
को फोन देना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर यहाँ फोन करने की? जो कुछ भी ऑफिस में हुआ वो क्या काम है? क्या जरूरत है मासी को फोन करने की, वो भी सुबह सुबह इतनी ठंड में? वैसे भी मासी रजाई ओढ़ के सो रही है और मेरा तो रजाई से हाथ निकालने का मन भी नहीं कर रहा। देखो तुम बकवास बंद करो, इतनी गर्मी हो रही है और तुम गर्मी अपनी कार से बोल रहा हूँ। देखो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब भी मैं तुमसे मिलने आता हूँ तुम मेरा जीना हराम कर देती हो। दीपक तुम आ रहे हो ना अभी? नहीं मैं अभी तो नहीं आ सकूंगा, लेकिन दिन में जैसे ही मुझे मौका मिलता है तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। अच्छा सुनो, तुम्हारे घर के हालात तो ठीक है ना? हालात तो बहुत खराब है प्रिया, हम दोनों में कल रात को बहुत बड़ी लड़ाई हुई। क्यों? दिशा को मालूम पड़ गया था कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। कैसे? देखो मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि ये खुराना तुम्हें डबल क्रॉस कर रहा है। बात करो और उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो, वरना वो हम दोनों को अलग करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन देखो लेकिन कुछ भी नहीं, जिस तरह से मैं कहता हूँ वैसे तुम करोगी जाके। और आयशा को जरा कंट्रोल करो, वो आग में घी डालने वाला काम कर रही है। और जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। ओके बाय। तुम इतना खुश हो सकती हो? दो दिन पहले तुम इतना रो रही थी कि किसी को लगता तुम बैकयार्ड में स्विमिंग पूल बनाने का सोच रही हो। जब तुम खुद प्यार में पड़ोगी ना तब तुम समझ पाओगी कि प्यार क्या होता है। अगर ये प्यार है ना तो मुझे प्यार नहीं करना। बेवकूफों की तरह मैंने दीपक को और उसके पापा को ठीक किया और तुम होगी मेरे हाथ से फोन खींच कर उसे ये कह रही हो कि दीपक तुम आ रहे हो ना? दीपक जा रही हूँ घर। क्यों? क्योंकि मैं अपने बेवकूफ पर रोना चाहती हूँ। तुमने क्या बेवकूफी की है? मैंने ये बेवकूफी की है कि दो दिन तक तुम्हारे ख्याली स्विमिंग पूल में तैर रही थी और इतना भी नहीं समझ सकी कि उसमें पानी है ही नहीं। अगर मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ये कह पाता कि तुम कैसी हो तो मेरे मन के अंदर तुम्हारे बारे में कोई सवाल ही ना उठते, ना ही तुम्हें बेहतर जानने की कोई इच्छा होती। वैसे तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम बहुत खुश हो। मैं खुश हूँ इसलिए क्योंकि पता है कल मैं और डॉक्टर दिवाकर जोशी मिले थे। पता है मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन पता है मुझे वो कैसे? कैशिका तुम जहां से भी गुजरती हो ना अपनी खुशबू छोड़ जाती हो। नहीं वो कल मैं अपने घर के गार्डन में घूम रहा था तो वहां मुझे ये कविता मिली, पेड़ों के बीच पड़ी थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि कल तुम और डीजे एक दूसरे के बीच इतना खो गए तुम लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब ये कागज का टुकड़ा उड़कर पेड़ों के बीच पहुंच गया। तो पेड़ों के बीच में क्या कर रहे थे? चैन के पल ढूंढ रहा था, सोचा था कुदरत के बीच मिल जाएंगे लेकिन नहीं मिले। चैन के पल को क्यों खोज रहे थे तुम? बेचैनी ले जाती है मुझे चैन की तलाश में। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो संजीव? पता नहीं शिखा, लेकिन शायद अंदर ही अंदर मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह खुश रहूं, किसी का इंतजार करूं। तो फिर तुम्हें भी किसी से बहुत प्यार करना पड़ेगा, इतना प्यार कि सामने वाला तुमसे प्यार करने पर मजबूर हो जाए। किया था शिखा, मैंने भी किसी से बहुत प्यार किया था लेकिन मुझे वो ना मिला है। कहीं तुम मेरे बारे में तो नहीं कह रहे हो ना संजीव? नहीं। लेकिन तुमने मुझसे भी तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो।
बस ऐसे ही बोल दिया था। तुम झूठ बोल रहे हो। शिखा मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि मैं तुम्हारे भाई से प्यार करती हूँ। देखो शिखा, अगर मैं किसी लड़की से प्यार करता ना तो मैं अपने भाई के लिए भी उसे कुर्बान ना करता। ये तो तुम झूठ बोल रहे हो सचिन, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में कितना प्यार है। इतना प्यार कि एक दूसरे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना? देखो शिखा, आज तक तो ऐसी नौबत नहीं आई कि हम दोनों भाई किसी एक ही लड़की से प्यार करें, इसलिए मुझे पता नहीं कि अगर कभी फ्यूचर में ऐसा हुआ तब क्या होगा। थैंक गॉड कि ऐसा नहीं हुआ, वरना मैं तो तुम दोनों के बीच में सैंडविच हो जाता। अच्छा शिखा मैं चलता हूँ, दोस्तों से मिलने। देखो जिसका तुम इंतजार कर रही हो वो तो बस आता ही होगा, क्लासेस छूटने का टाइम जो हो गया। तो मैं यहाँ रहकर तुम दोनों के बीच में हड्डी क्यों बनूं? चलता हूँ। देखना संजीव, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो तुम्हें जरूर मिलेगी। हेलो प्रिया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओ आइए, कम इन। क्या बात है, आज तुम बहुत अपसेट से दिखाई दे रही। मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। क्यों, आखिर ऐसा क्या हो गया है? आप दीपक की बीवी निशा से मिलते हैं? मैंने इस बात से कभी इनकार नहीं किया। मैंने तुमसे हरदम कहा है कि मैं निशा और उसकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप निशा के जासूस हैं। मैं क्या हूँ? जासूस। आपने मुझे डबल कॉल किया अंकल, मैंने आप पर भरोसा किया, सब कुछ बताती रही आपको, और आपने जाकर निशा को बता दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। प्लीज अब झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, दीपक को भी पूरा यकीन है कि आप ही ने निशा को सब कुछ बताया है। अच्छी तरह से मालूम है कि मैं तुम्हें बेटी जैसा मानता हूँ, कितनी परवाह करता हूँ, इसलिए तुम्हारी सब बात सुन रहा हूँ, वरना मैं। दरअसल आप कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई है, और मुझे बताने के लिए आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेरे पास सवाल का कोई जवाब नहीं, मैं शॉक्ड हूँ। शॉक इस वजह से नहीं कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया है, इस वजह से हूँ इल्जाम मेरी प्रिया, मेरी अपनी प्रिया ने लगाया। अपनी माँ की कसम, अपने बाप की कसम, मैं ऐसा तुम्हारे लिए ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा किस पर यकीन करूँ और किस पर नहीं। अगर आपने निशा को नहीं बताया तो फिर किसने बताया है? मैं क्या कह सकता हूँ प्रिया, मैं तो इस बात से अपसेट हूँ कि तुमने मेरे ऊपर शक किया कि मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता। सॉरी प्रिया, I'm really very sorry। मुझे यकीन नहीं आता कि इस उम्र में आकर मुझे ये दिन भी देखना था। बाय प्रिया, तुम जल्दी से जल्दी मुजरिम को पकड़ने की कोशिश करो, ताकि इस इल्जाम के बोझ से मैं निकल सकूं। बाय प्रिया। अंकल सामिता, रुक जाइए अंकल, मुझे एहसास हो गया कि आप नहीं हो सकते। आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत दुर्बल जाना, परेशान किया आपको। दरअसल मैं खुद इतने बुरे दौर से गुजरी हूँ कि मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। परसों में दीपक ने फोन करके मुझसे कहा कि उसे आप पर शक है, तो मैं भी बेवकूफों की तरह आप पर शक करने लग गई। अभी आधा घंटा पहले तो फोन पे बात हुई मेरी उनसे। सर अभी 15 मिनट पहले बाहर गई हैं और कहकर गई हैं कि लंच टाइम तक वापस आ जाएंगी। अच्छा, कुछ बताया कहाँ जा रही? जी नहीं, कह रही थी कि किसी पर्सनल काम से बाहर जा रही हैं।
ठीक है, बाहर गई है, इस वक्त कहां जा सकती है जया? जानती हूँ क्योंकि पहली बार मैं तुम्हारे ऑफिस में आ रही हूँ। हालांकि तुम पता नहीं कितने अरसों से यहाँ काम कर रही हो। हाँ, 16 साल से, लेकिन तुमसे तो थोड़ा कम ही। मेरे ख्याल से तुमने शेखर के इमीडिएटली जन्म के बाद काम करना शुरू कर दिया था ना, करीबन 18 साल पहले या कुछ। जब से मेरी इंद्र के साथ शादी हुई मैंने काम करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट जब शेखर का जन्म हुआ था तो मैंने ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोली थी। उसके पीछे एक वजह थी। इंद्र के पास मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं था, मैं घर में बैठ के बोर हुआ करती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं काम करना शुरू कर दूं। लेकिन तुम्हारे पास क्या वजह थी? तुम्हारे पास तो एक पति था जो तुम्हारा ख्याल रखता था, और मैंने ख्याल रखा कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारे। जानती हूँ ये तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, लेकिन मैंने काम करना शुरू कर दिया इसकी भी एक वजह है। रियली? कुछ कर दिखाने का अरमान जो मेरे दिल में था उसे मैं पूरा करना चाहती थी। मेरे पास एक अच्छा घर, पति, बच्चे, ये तो थी, ये ख्वाहिश तो मेरी पूरी हो गई थी, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहती थी। और मैं ये भी प्रूफ करना चाहती थी कि घर संभालना, बच्चे संभालना, इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। वाह 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 वाह, कितने अच्छे ख्याल आते हैं तुम्हारे। लेकिन तुम्हारे इस परफेक्ट सिनेरियो में सिर्फ एक ही गड़बड़ हो गई। इस चक्कर में तुम्हारे पास तुम्हारे पति के लिए कोई वक्त ही नहीं, और तुम्हारे पति के पास तुम्हारे लिए वक्त ही वक्त। तो अपने भाई की तरफ से बदला लेने के लिए तुम यहाँ आए, और तुमने इस कदर बदला ले लिया है कि तुमने अपने भाई को इतना बिजी किया है कि उसके पास मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं है। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, ये रवि का खुद का फैसला है। जया, ये बात तुम किसी और से जाके कहना, इसलिए कि मैं जानती हूँ कि रवि को कठपुतली की तरह नचाने में तुम्हारा कितना हाथ है। शायद तुमने उसे कठपुतली की तरह नचाया हो, इसलिए वो घर से दूर भागता है। शायद तुम दोनों के आपस के रिश्ते की वजह से वो भाग रहा है। मैं तो ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकती कि हमारा आपस का रिश्ता हमें दूर लेता जा रहा है। रवि तो रात बदल गया। इसके एक दिन पहले तक हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, मैंने छुट्टियां ली थी, उसने छुट्टियां ली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें शायद ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए तुमने उसे फिन वॉश कर दिया। मैं इतनी खुद गर्व नहीं हूँ। अगर इतने सालों में मैंने तुम्हारे रिश्ते पे झांक कभी नहीं देखा तो आज क्यों करूँगी? तो फिर हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हो तुम? इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो तुम हमारे रिश्ते में? क्योंकि पहली बार मैंने तुम्हारा रिश्ता बिगड़ते हुए देखा है। जया, मैं अपनी जाती जिंदगी तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं करना चाहती, और बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम मुझे और रवि को अकेला छोड़ो। वैसे भी बहुत नुकसान पहुंचा है हमारे रिश्ते को। तुमको मालूम नहीं जिस दिन तुम्हारे घर से वो पीके आया था उस दिन उसने मेरे साथ किस तरह से बर्ताव किया। तुम्हें ये लगता है कि रवि ने तुम्हारे साथ बदतमीजी सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे खिलाफ रखा? तुम जानती हो आज मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और रवि के बीच में प्रॉब्लम है, एंड आई वांट यू टू नो इट। तुम उस दिन की बात कर रही थी रवि के बारे में। उस दिन रवि ने तुम्हारे और इंद्र की कॉन्वर्सेशन सुनी थी, जहां तुम उसे कह रही थी कि तुम अपने बॉस शोमुसेन से प्यार करते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ शोमुसेन और तुम्हारे बीच में ना ही कुछ था और ना ही कुछ होगा। तुमने प्यार लफ्ज का इस्तेमाल किया, क्योंकि तुम ये नहीं चाहती थी कि रवि पीछे खड़े खड़े सारी बातें सुन रहे हैं। उसने प्यार का मतलब ही उल्टा समझा। प्रीति, तुम जानती हो जब से रवि पैदा हुआ ना मेरे प्रभाव में था, मैं उसे हर काम करवा सकती थी। सिर्फ एक बात पे मेरा इन्फ्लुएंस नहीं चलता था और वो थी तुम। आज भी तुम्हारे खिलाफ मैं अपनी मर्जी उस पर नहीं ला सकती। तुम चाहती तो तुम रवि को छोड़ सकती,
उसने तुम्हें लाखों बजे दिए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम चाहती तो एक दूसरे आदमी के साथ रिश्ता जोड़ लेती, तो फिर आज तुम रवि के साथ नहीं होते। लेकिन इस बार हालात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए। इस बार तुमने वजह दी रवि को तुम्हें छोड़ने के लिए। मैं जानती हूं कि ये वजह बेबुनियाद है, लेकिन अपनी शादी को बचा लो प्रीति। तुमने इतने साल स्ट्रगल किया अपनी शादी को बचाने के लिए, इसे टूटने मत देना।